तभी ऐसी हरकतें कर रही है ये। कैसा दिल का दर्द पूनम? वो बेटा इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, तो इसे कभी कभी दर्द उठता है, और उसी की बात कर रही थी। हाँ तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा देते इसे। अरे डॉक्टर के पास ही तो भेजा था ना जी। रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। लेकिन लैब फेल हो गया। कैसा प्लान माँ? वो एक्सरसाइज और डाइट का प्लान बनाया था पूनम ने, वो फेल हो गया। पूनम तुम थक गई हो, चलो अपने कमरे में आराम कर लो जाके। हाँ शायद वो माँ ने आज मीठा भी ज्यादा खा लिया है ना, तो हो सकता है उनकी शुगर बढ़ गई हो, तो उस वजह से उनके दिमाग पर भी असर आता है। हाँ वही हुआ है। शुगर? अरे कौन सी शुगर? कैसे बढ़ गई शुगर? उसकी जगह तो मैंने ही नमक रखा था। क्या बोले जा रही है पूनम, इसे नहीं रोका तो सब बर्बाद कर देगी। इसका मतलब है कि शुगर ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए अब अपनी डाइट में ये चीनी कम करके नमक बढ़ा रही है। नमक? माजी, I love you, माजी, कितना प्यार करते हो मुझे, आपको तो सब पता है ना माजी। कैसे वो पटाखों का धमाका। पूनम नया साल शुरू होने दो, तो उसके बाद खूब पटाखों का धमाका करेंगे, ठीक है? पूनम आप ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे ये शुगर बढ़ने का केस नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अरे आपको तो हमेशा कुछ और ही लगता है, हर चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती नजर आती है। क्यों? आपको तो सारी अच्छाई बस इसमें दिखती है। इस घर में सबके अंदर कमी है, यही है जो अच्छी है। हमें से किसी की खुशी की परवाह नहीं है आपको ना? बस इस एक की परवाह है। समधी जी, वैसे बहुत देर हो चुकी है और हम लोग को चलना चाहिए। सॉरी। नमस्ते। नरेश जी, आपका बेटा है, आप ही का बेटा है ये। कभी पूछा आपने इसको किसमें खुशी मिलती है? इस लड़के को क्या अच्छा लगता है पूछा आपने? कभी इसकी ओर प्यार से देखा आपने? देखा नहीं ना। आपको तो बस एक ही प्यारी है, मेरा बेटा, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। ये क्या बदतमीजी है पूनम, आपकी इस बेहूदगी की वजह से सारे मेहमान शर्मिंदा होकर चले गए। मेहमान शर्मिंदा होकर चले गए तो बहुत परवाह हो रही है आपको, और जो आपने फैसला लिया उसकी वजह से हर रोज हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है, उसका क्या? च-
जवाब दीजिए। पूछा मैंने आपसे कुछ? बड़ा घूर रहे हैं आप, घूरिए मत। आज आपकी एक नई सुनूंगी मैं। जब देखो तब बाग बाग बकवास करते रहते, क्यों सुनूं मैं आपकी? आज मेरा फैसला आपको सुनना होगा। बोलूंगी मैं, सुनेंगे आप, सब सुनेंगे। नरेश, लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है। तू अपने कमरे में जा, मैं देखती हूँ ना इसे। क्या बोल रही है माँ जी आप? कोई तबीयत खराब नहीं हुई मैं। पूनम, इस वक्त आप बात करने की हालत में नहीं, मैं आपसे कल बात करूंगा। सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। प्रियो चलो। पूनम होश में आओ। सब खत्म हो गया माँ जी, सब खत्म हो गया। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं छोड़ूंगी नहीं इस लड़की को, छोड़ूंगी नहीं इसे। इसे इस हालत में नरेश के पास तो नहीं ले जा सकती। मैं इस लड़की को पता नहीं क्या अनाप शनाप बगदेगी वहाँ पर। मैं इसे अपने कमरे में ही ले जाती हूँ। मैं अनाप शनाप चलो नहीं कह रही हूँ। चलो माँ जी मेरे साथ। मैं इस लड़की को नहीं छोड़, मैं डरती हूँ किसी से। निहार जी भी आज कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। क्या कर रहा था तू इडियट? पागल हो गया था क्या? पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी वो।